नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, वर्तमान का जो युग चल रहा है इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। पुराणों में कलयुग की जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है वह वर्तमान समय में हमें सत्य प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार, अन्याय, लोभ, लूटमार, डकैती, चोरी बढ़ गई है। भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है। अगर एक इंसान के सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है तो वह पहले अपना पेट देखता है। ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या घोर कलयुग आ गया है और क्या अब कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, अभी कलयुग का सिर्फ प्रथम चरण ही चल रहा है। पुराणों के मुताबिक आज से लगभग 5124 वर्ष पहले अर्थात ईसवी सन 3102 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण धरती से बैकुंठ धाम चले गए, तभी से कलयुग का शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों में धर्म रूपी बैल के चार पैर बताए गए हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्ययुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित थे। सत्ययुग में इंसान 32 फीट का हुआ करता था और उसकी उम्र लगभग 100000 वर्ष होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सत्ययुग में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में स्वयं का बलिदान दे दिया था। सत्ययुग के बाद त्रेता युग में सत्य कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से धर्म का एक पैर टूट गया। अब धर्म के पास सिर्फ 3 पैर ही मौजूद थे और त्रेता युग में मनुष्य 21 फीट का हुआ करता था और मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष हुआ करती थी। त्रेता युग में पुण्य 75% और पाप 25% होता था। आपको बता दें, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन और राम का अवतार किया था। इसके पश्चात द्वापर युग में सत्य और तप धर्म के दोनों ही पैर टूट गए। द्वापर युग में इंसान की ऊंचाई लगभग 11 फीट और औसत आयु 1000 साल होती थी। द्वापर युग में पाप और पुण्य दोनों बराबर बराबर मात्रा में देखने को मिलता था। अर्थात द्वापर युग में आधे मनुष्य बाकी रहेंगे तो वही आधा मनुष्य पुण्यात्मा रहते हैं। द्वापर युग में ही महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर के धर्म की रक्षा की थी। दोस्तों, कलयुग में सत्य, तप और दया तीनों कमजोर हो जाने से धर्म के तीनों पैर टूट गए हैं, अर्थात इन तीनों की गरिमा नहीं रह जाती है। कलयुग में चारों तरफ सिर्फ छल कपट देखने को मिलता है, अन्याय और अधर्म का बोलबाला रहता है। इंसान की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है और लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती है। पुराणों के मुताबिक कलयुग में 75% पाप और पुण्य सिर्फ 25% ही रह जाएगा। अगर पुराणों के आधार पर देखा जाए तो कलयुग में धर्म के एक पैर ही बचता है। दान यानी कि दान की बदौलत ही धर्म कलयुग में टिका होता है। कलयुग में दान के माध्यम से ही लोगों का कल्याण संभव होता है। जिस प्रकार से धर्म के चार पुत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधर्म के भी चार पुत्र होते हैं, जिनका नाम लोभ, अनीति, कलह और दंभ है। यह चारों काली के प्रभाव से धीरे धीरे बलवान होते जाते हैं। इनके प्रभाव में जो आएगा उसका धर्म भ्रष्ट होना तय है। दोस्तों, भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता और कई प्रकार के पौराणिक ग्रंथों में घोर कलयुग के संबंध में भविष्यवाणी देखने को मिलती है, जिसके मुताबिक कलयुग में धनाढ्य लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन यदि उनका पड़ोसी भूखा प्यासा होगा तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, यह नहीं देखेंगे कि उस व्यक्ति का पेट भरा है या फिर नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि लोगों का अपना ही भूख से मर जाएगा और वे लोग देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ मौजमस्ती, मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में हद से ज्यादा पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कलयुग में ऐसे लोगों का राजसत्ता होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जो लोग बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे उनकी चर्चा जगह जगह होगी, लेकिन उनका
जो आचरण होगा वह राक्षसों के समान होगा, बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे लेकिन उनकी जो सोच होगी वह बहुत ही गंदी होगी। वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पर संपत्ति या फिर पद कर जाए। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राजगद्दी पर भी विरोधी लोगों का शासन होना प्रारंभ हो जाएगा। शासन सत्ता पर ऐसे लोग रहेंगे जो जनता से झूठ बोला करेंगे, अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करने में व्यस्त रहेंगे, धार्मिक बातों के संबंध में हमेशा प्रमाण मांगते फिरते रहेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोधी फैल जाएगा, राजाओं में चरित्रहीनता जाएगी, देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे, संतजन दुखी होंगे, लोग अपने धर्म को छोड़ दूसरे के धर्म की ओर आकर्षित होंगे और पृथ्वी पर म्लेच्छ राज्यों का विस्तार हो जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा, स्त्रियों को अपने केशव पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे, पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगे, पाखंड की अधिकता होने से लोगों की आयु कम होने जाएगी और कलयुग के अंत समय तक 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री जबकि 8, 9 अथवा 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगे। दोस्तों, घोर कलयुग आने तक मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में बात की जाए तो पौराणिक ग्रंथों में कलयुग की उम्र 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 4320000 सौर वर्ष बताई गई है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व 18 फरवरी की मध्य रात्रि से मानी जाती है। इस तरह दोस्तों 18 फरवरी 2023 को कलयुग के 5125 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी 4, 2, 6, 8, 7, 5 वर्ष तक कलयुग ही रहेगा। दोस्तों, अंत में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा और पुण्यात्मा अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग चले जाएंगे, धरती पर सिर्फ पापी ही बचेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर 3 दिन में ही समस्त धरती से पापियों का सर्वनाश कर देंगे। उसके बाद महाप्रलय होगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग तथा सतयुग के संधिकाल तक धरती जलमग्न रहेगी, इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी और इसी तरह आगे भी युग चक्र चलता रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।